हेलो दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेट बिन सिरप के बारे में। इसका काम होता है बुखार को जड़ से ख़त्म करना। दोस्तों, बताएंगे सिरप को कैसे पीना है, कौन पी सकता है और कौन नहीं पी सकता है, और पीने से क्या क्या हो सकते हैं नुकसान या साइड इफेक्ट, आप सभी को पूरी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो को पूरी तरह वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्लेट बिन सिरप, दोस्तों आपको पपीता जो होता है दोस्तों आपके गाँव शहरों मोहल्लों में पाया जाता है, दोस्तों उससे मिलकर दोस्तों ये बना है। दोस्तों अगर दोस्तों इसकी एम आर पी बात की जाए दोस्तों की MRP है दोस्तों 200 रुपये, और दोस्तों अगर बात की जाए इसकी कितने मिल दोस्तों आता है दोस्तों ये आपको 200 मिल दोस्तों मिलता है। दोस्तों अब दोस्तों बताएंगे इसे किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको दोस्तों आपको फीवर हो यानी कि बुखार है, जैसे तो आपको बुखार होता है दोस्तों एक प्लेट होता है बुखार में जो कब हो जाता है दोस्तों उसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप प्लेट डाउन है बुखार का दोस्तों आपको बुखार बहुत दिनों से रखा हुआ है नहीं ठीक रहा दोस्तों आपको इस सिरप को दोस्तों लाना है और पीना दोस्तों आपको आराम देगा दोस्तों, और दोस्तों आपको बुखार जड़ से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों आपको बुखार हो जाता है दोस्तों आप अन्य सारी दवाइयाँ खाते हैं दोस्तों नहीं ठीक होता दोस्तों। दोस्तों अगर आपको बुखार ज़्यादा दिनों तक है दोस्तों, जैसे तो आपको टाइफाइड बुखार निकल गया है दोस्तों, जैसे तो आपको कभी कभी बुखार होते हैं दोस्तों, अगर आपको हो गया हो दोस्तों आपको उससे सिरप को लाना है दोस्तों और आपको पीना है दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें दोस्तों इस सिरप में क्या दोस्तों मिला गया क्या दोस्तों इस सिरप को दोस्तों आपको जो पपीता जो है दोस्तों उसके पाती को मिलकर मिला गया दोस्तों, और दोस्तों उसको मिलाकर बनाया गया दोस्तों ये आपको फीवर यानी बुखार में अच्छी तरह से दोस्तों काम करता है। दोस्तों अगर दोस्तों की बात करें कितने दोस्तों से पीना है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको अपने डॉक्टर के सलाह से लाना दोस्तों और पीना दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं इस सिरप को कौन कौन पी सकता है दोस्तों इस सिरप को आपको जो आपको 15 साल के ऊपर बच्चे हैं उनको आप दोस्तों पिला सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों आपको सुबह शाम 10-10 मिनट दोस्तों पिलाना है दोस्तों, और दोस्तों अपने डॉक्टर के सलाह से दोस्तों पिलाएंगे। और दोस्तों आपको छोटे बच्चों को नहीं पिलाना दोस्तों, अगर दोस्तों पिलाना चाहते हैं फिर डॉक्टर की सलाह लेंगे तब पिलाएंगे दोस्तों इस सिरप को। और दोस्तों इस सिरप दोस्तों आपको एज और वेट के हिसाब से दोस्तों दिया जाता है दोस्तों, फिर डॉक्टर की अच्छी तरह से पूछ लेंगे तो फिर पेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों बात की जाए इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तों साइड इफेक्ट हो सकता है दोस्तों उल्टी होना, चक्कर आना, कब्ज बनना यानी गैस बनना दोस्तों आज सारी समस्याएँ होती हैं। अगर दोस्तों एक सारी समस्या हो तो अपने डॉक्टर की सलाह अच्छी तरह लेंगे दोस्तों तो दोस्तों इसे पिलाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं इसको नहीं पी सकता दोस्तों, और दोस्तों इसको आप जो आपके घर में गर्भवती औरत हैं महिलाएं दोस्तों उन्हें पिलाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अच्छी तरह लेंगे तब पिलाएंगे दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको सभी को पसंद आई। दोस्तों पसंद आई लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।